हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इसमें आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 के बारे में, जो कि आपका चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज 5.6 में अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। क्या नाम है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। हम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जिनका फॉर्म कैसा होने वाला, पैरामेट्रिक फॉर्म का हम फाइंड आउट करेंगे, यानी उनकी फॉर्म कैसी होगी वो पैरामेट्रिक फॉर्म के होंगे। बट बात आती है कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, वो तो हम जान लें पहले। तो पैरामेट्रिक जो फॉर्म होने वाला है वो आपका कैसे होगा वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे होगा। इसका जो डेरिवेटिव आपको निकालना होगा बहुत ही ईजी वे में आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान होता है, सिवाय हमें ध्यान क्या रखना है, इसका सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है और फॉर्मूला क्या है, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है वो पहले हम बात कर लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं। जब आपको फंक्शन, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ f ऑफ t के फॉर्म में एंड y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ g ऑफ t के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं आपके, x आपका है एक थर्ड वेरिएबल t के, x आपका t वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पे y भी आपका t वेरिएबल का फंक्शन है। कहने का मतलब ये है मेरे कि यहाँ पे जो आप x देख रहे हो किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है और y आपका किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में, जो ये आप थर्ड वेरिएबल देख रहे हो, इस थर्ड वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। और जो ये आप फॉर्म देख रहे हो एस इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, इस पूरे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उस क्वेश्चन की शक्ल आपको ऐसे ही होगी और आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो हम डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में, इसको अपन ले सकते हैं क्या, डी वाई डी टी इंटू में डी टी इंटू अपॉन डी एक्स। डी वाई डी एक्स को अपन ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको जब अपन सॉल्व आउट करेंगे तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी अपॉन में डी एक्स डी टी। बात समझ में आ गई आपको इतनी? तो हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हमें जो ये दिया रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, इस पैरामेट्रिक फॉर्म से हम क्या करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स डी टी। उस डी एक्स डी टी वैल्यू निकाल करके आपको यहाँ पुट करनी होगी। इस वाई को आप डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका जो पैरामीटर है वो टी वेरिएबल का दिया हुआ, इट मीन्स इसको आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डी वाई डी टी मिलेगा। तो आप डी वाई डी टी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपको डी वाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैरामीटर आपका होगा उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला चेंज होगा। अगर यहाँ पैरामीटर आपका थीटा होता, क्या होता है, पैरामीटर आपका थीटा होता, तो आपका जो फॉर्मूला बनता वो डी वाई डी थीटा और डी वाई डी एक्स डी थीटा बन जाता, ठीक है ना। कि यहाँ पे जो आपका थर्ड वेरिएबल होगा उस थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करेगा आपका फॉर्मूला कैसा होगा, ठीक है। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि जो आपका फंक्शन होता है, यहाँ पे जो फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, यानी थीटा वेरिएबल का x क्या है, थीटा वेरिएबल का फंक्शन है, y यहाँ पे थीटा वेरिएबल का है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो हमें जाकर डी थीटा की वैल्यू मिलेगी, मतलब कि हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो पाएगा। क्योंकि अपन क्या, हमने ये पढ़ा है कि जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन है जिस वेरिएबल में होता है उसको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तभी हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा। अगर उसको अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम उसको कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई आपको इतनी? तो चलिए इसी के बेसिस पे अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसका, एक्सरसाइज 5.6 का। यहाँ पर आपके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे अच्छे से वो भी, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके पिछले क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको खुद बोलूँगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके आप उतनी अच्छे से मैथ्स खुद से सॉल्व करिए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैथ्स आएगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। मैथ्स है तो प्रैक्टिस रहेगी तभी मैथ्स रहेगी, अदरवाइज मैथ्स का कोई मतलब नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी से कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। सिर्फ मेरे क्वेश्चंस लगाने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप भी नहीं ट्राई करोगे, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसलिए अच्छा करना है कुछ तो आपको भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन अपन सॉल्व करना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5.6 का क्वेश्चन नंबर आपके 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने दिए हुए टोटल? 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जितना हो सकेगा आज के लेक्चर हम उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहली चीज़ क्या बोली गई, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली। एक्स और वाई जो दो वेरिएबल हैं ये आपके पैरामेट्रिकली एक दूसरे के कनेक्टेड, किस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, ये पैरामेट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर क्या बोला, बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1-10। फिर क्या बोलेंगे, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई डी एक्स। आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है।
कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन में आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू में 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ आपको, 80 की पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो x वेरिएबल आपका जो x दिया है ये t वेरिएबल का फंक्शन है, y आपका t वेरिएबल का फंक्शन है, तो इन दोनों को अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो इसको अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो हमें dx dt मिलेगा ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि dy dx हमें फाइंड आउट अगर करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे अपन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dy dx इज इक्वल टू होता है dy dt upon dx dt, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, dy dt एंड dx dt, और मैंने आपको बताया है कि जो ये डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है, पैरामीटर पर डिपेंड है, पैरामीटर आपका क्या है आपका टी है, इसलिए हमने वहाँ पर dy dt एंड dx dt लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy dt एंड dx dt फाइंड करना है, dx dt फाइंड आउट करने के लिए इसको हम x के रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखिए मैं डायरेक्ट खेलूंगा, ठीक है ना, कि आप सब कुछ सीख चुके हो, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा यहाँ से dx dt इज इक्वल टू में 2a आपका कैसा है कॉन्सेंट है, इसको अपन बाहर ले लेंगे, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास 2a इंटू में 2t, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2t की पावर 2-1, 2t की पावर 2-1 कितना होता है 1, तो 2t मिल जाएगा आपको, और 2 × 4 इंटू में a इंटू में t, यानी कि dx dt की जो वैल्यू आपको मिल गई वो स्टूडेंट्स क्या मिली 4a इंटू में t मिल गई। इसी तरीके से जब इसको अपन सॉल्व करेंगे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा यहाँ से देखिए dy dt इज इक्वल टू में एक कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको t की पावर 4 है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a इंटू में 4 इंटू में t की पावर 4-1, 4-1 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन कितना मिला 4a t³, ये मिल गया आपको dy dt की वैल्यू, देखने में बहुत आसान लग रहा होगा और फटाफट आपका सॉल्व भी हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऐसे किसमें पैरामेट्रिक फॉर्म्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं ना जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो करने में एकदम मज़ा आ जाए, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन एक दो दिए हुए हैं, उनको जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको पर्टिकुलर बोलूंगा कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, एक बार जरूर उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन करने में ही हमें मज़ा आती है, क्योंकि हम खेलते हैं ऐसे कि मज़ा आ जाए, ठीक है ना। देखिए तो ये dx dt निकाल लिया, dy dt निकाल लिया, तो हमें d का फाइंड आउट करना है, dy dx फाइंड आउट करना है, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो dy dx फाइंड आउट करने के लिए हमें dy dt एंड dx dt चाहिए, तो dy dt की वैल्यू कितनी आई है 4a t³ एंड dx dt की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 4a t आई है, तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो 4a से 4 कैंसिल आउट, 1t से 1t कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा आपके पास टी स्क्वायर, यानी कि जो dy dx की वैल्यू आपको मिली स्टूडेंट्स क्या मिल गई टी स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर, समझ में बात आ गई आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व, ओके, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कैसे सॉल्व करना है, कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 2 उस पर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x इक्वल टू में a cos थीटा दिया हुआ है और y इक्वल टू में b cos थीटा, x इक्वल टू में a cos थीटा है, y इक्वल टू में b cos थीटा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला याद तो सब काम हो जाएगा हमारा, काम 35 करने में देर नहीं लगेगी अगर फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला हम सबको बहुत अच्छे से याद है, क्या है कि x इक्वल टू में a cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू में आपको क्या दिया हुआ है b cos थीटा, फटाफट अपन सॉल्व करेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ x इज इक्वल टू में a cos थीटा, ये किस पैरामीटर के फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे x जो है थीटा वेरिएबल का फंक्शन है, y थीटा वेरिएबल का फंक्शन, इट मींस हम इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हमें dy dx फाइंड करना है इसमें भी, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपको dy dx फाइंड करना है तो जो यहाँ फॉर्मूला फॉर्म होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, dy d थीटा अपॉन में dx डी थीटा, मैंने क्या आपको बताया कि जो यहाँ पर पैरामीटर यहाँ पर होगा उसी पैरामीटर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, यानी उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसको इसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा dx d थीटा, यहाँ मिलेगा dy d थीटा, तो हमें dy dx फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, dy d थीटा अपॉन में dx d थीटा, समझ में बात आ गई आपको, इतनी कोई डाउट तो नहीं इतने में, चलिए देखिए तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने हैं। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा dx d थीटा इज इक्वल टू में a कॉन्स्टेंट बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से a कॉन्स्टेंट बाहर लिया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, कोई sin थीटा नहीं बोलेगा, क्या होता है माइनस का sin थीटा, तो हो जाएगा माइनस का a sin थीटा, ये किसकी वैल्यू मिल गया आपको dx d थीटा, देखने में तो मज़ा आ रहा होगा लेकिन जब अभी सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा आपको,
देखिए यहाँ से इसको भी अपन क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू में बी कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आपको डी वाई डी थीटा की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, डी वाई डी थीटा वैल्यू मिल गया आपको माइनस का बी साइन थीटा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, सब काम 35 कर लिया हम लोगों ने, इसे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या बोलेंगे, वैल्यू पुट करिए, डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी साइन थीटा, और ऐसे ही डी एक्स डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का ए साइन थीटा आ गई। ए से माइनस साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो मिला आपको कितना, बी बाई ए। तो स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिल गई क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको, वो क्या मिल गई, बी अपॉन में ए मिल गया, और यही आपका सॉल्यूशन और यही आपका आंसर है, ठीक। और मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन आप भी खुद कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने पहला दूसरा किया। तो आपके नाम क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं, आपके नाम क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 3 और 4, जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आप कर सकते हो, आपके औकात से बाहर नहीं है, आप आसानी से उसको कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे जहाँ तक लगता है आप तुरंत सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर एकदम सिमिलर है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका x इक्वल टू में साइन टी, x इक्वल टू में साइन टी कॉमा y इक्वल टू में आपके पास कितना है, कॉस टू टी, क्या है, कॉस टू टी। तो क्या करना है, ये जो x वेरिएबल है t पैरामीट्रिक फंक्शन का है, मतलब यहाँ पैरामीटर क्या है, t है, इन दोनों में पैरामीटर क्या है, t, इसका मतलब हमें इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, डी वाई डी एस फाइंड आउट करना होता है। तो डी वाई डी एस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ t पैरामीटर है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डी वाई डी टी अपॉन में डी एक्स डी टी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको क्या करना है, यहाँ से डी एक्स डी टी फाइंड आउट करना है आपको, जो कि आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से डी वाई डी टी फाइंड आउट करना है, वो भी आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मुझे आप पर इतना भरोसा है कि आप कर ले जाओगे। तो डी एक्स डी टी यहाँ से फाइंड आउट, यहाँ से डी वाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, उठा करके वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया आपसे, बोला गया एक्स इक्वल टू 4t, एक्स इक्वल टू 4t एंड वाई इक्वल टू 4 अपॉन में टी, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये भी आपका t पैरामीटर का है, तो यहाँ से अगर हमें डी वाई डी एस फाइंड आउट करना होगा, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या, डी वाई डी एस इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स डी थीटा, यही फॉर्मूला अपन यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर क्या है, t, और t पैरामीटर के लिए फॉर्मूला ये होगा। बात समझ में आ गई आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरामीटर टी, इसमें इसको भी अपन टी के स्पीड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स डी टी आपको जो मिल जाएगा आराम से, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई डी टी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए अपन उस पर डिस्कशन खुद करेंगे, देखिए कैसे करने वाले। तो फटाफट आप क्या करिए, एक बार चाहे तो आप ही खुद ट्राई करके देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप जितना ट्राई करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, चीज़ें और आपको समझ में आएंगी, ठीक है। खाली हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला, पेन चलाएंगे तभी काम होगा, अदरवाइज कुछ काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक्स इक्वल टू में कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा, माइनस का कॉस टू थीटा, एंड वाई इक्वल टू में आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू में आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा, साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। मैं बोलूँगा कि अगर आपको डी वाई डी एस फाइंड आउट करना हो, आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए सीधी सी बात, जब भी मैं बोलूँ आपको डी वाई डी एस फाइंड आउट करना है पैरामीटर फंक्शंस का, तो आप क्या बोलिए, सबसे पहले ये चेक करिए जो x दिया है वो किस पैरामीटर के फॉर्म में है, थीटा पैरामीटर के फॉर्म में है, ये भी थीटा पैरामीटर के फॉर्म में, इट मीन्स आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डी वाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स डी थीटा। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना होगा डी वाई डी थीटा, और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना होगा डी एक्स डी थीटा। बट डी एक्स डी थीटा कैसे फाइंड आउट होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी वाई डी थीटा कैसे फाइंड आउट होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कैसे मिलेगा, देखिए तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस का डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस टू थीटा, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टू थीटा। बट
हमने टू थीटा को थीटा मान के डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि हमें तो साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होता है, हमने तो यही तो पढ़ा है ना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस का साइन थीटा, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ टू थीटा, तो हमने टू थीटा को थीटा मान के डिफ्रेंशिएट किया, तो अपन टू थीटा को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल में हमने तो यही पढ़ा है जिसको अपन लेट करते हैं उसको हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो टू थीटा को हमने माना तो टू थीटा को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू थीटा, तो टू कॉन्स्टेंट बाहर थीटा की डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन टू थीटा इंटू में थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में वन होता है तो इंटू में टू मिला आपको, तो फाइनली यहाँ क्या मिला आपको टू साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा। देखिए मैं आपके साथ डायरेक्ट खेलूंगा क्योंकि आपको मैं सिखा चुका हूँ कैसे आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है, चेन रूल से कैसे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सब तो चुटकियों का खेल है, चुटकी बजाइए क्वेश्चन सॉल्व ठीक है ना। फटाफट देखिए डी वाई डी थीटा यहाँ फाइंड आउट करना है, इतनी समय इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी थीटा साइन थीटा माइनस का डी डी थीटा साइन टू थीटा, इसको जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए क्या मिलेगा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है, साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा, बट हमने टू थीटा को थीटा मान के डिफ्रेंशिएट किया है तो टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा क्योंकि थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में टी वन होता है वन होता है, तो यहाँ से क्या मिला आपको कॉस थीटा माइनस का टू कॉस टू थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई आपको डी वाई डी थीटा की वैल्यू मिल गई, और जब आपको डी वाई डी थीटा और डी एक्स डी थीटा मिल गया तो आप डी वाई डी एक्स तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए क्या मिलेगा आपको डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा माइनस का टू कॉस टू थीटा अपॉन में डी एक्स डी थीटा की वैल्यू कितनी है टू साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा, तो ये मिल गया आपको डी वाई डी एक्स, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव भी कोई बहुत टफ था बिल्कुल भी नहीं, आसानी से आप भी कर सकते थे बट मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा दूं कि करना कैसे है, क्योंकि एक बार आप देख ले जाओगे तो आप अपनी रेफरेंस बुक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर कि क्वेश्चन नंबर सिक्स को कैसे अपन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना वो भी बढ़िया क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट नाइन टेन तीनों ही बढ़िया है, जो टेंथ क्वेश्चन है ना टेंथ क्वेश्चन में क्या है हाँ वो भी बढ़िया ही है ठीक है। फटाफट देखते हैं क्लास अटेंड करता हूँ ठीक है। देखिए तो यहाँ से सिक्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका ये है x इज इक्वल टू में a ब्रैकेट के अंदर आपको थीटा माइनस का साइन थीटा, और y इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ आपको y इज इक्वल टू में दिया हुआ है a वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, और आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम बोलेंगे डी वाई डी एस फाइंड आउट करना है, तो डी वाई डी एस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा देखिए, तो हम बोलेंगे फॉर्मूला जब भी हम लिखने चलते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास x किस पैरामीटर के फॉर्म में और y किस पैरामीटर के फॉर्म में, तो x आपका थीटा पैरामीटर के फॉर्म में y भी थीटा पैरामीटर के फॉर्म में, इट मीन्स जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो क्या बनेगा dy dθ अपॉन में dx dθ बन जाएगा फॉर्मूला, तो हमें हमारे पास अब क्या काम बचा dy dθ और dx dθ फाइंड आउट करना है, और जैसे ये मिल जाए इनकी वैल्यूज को ला करके यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा ओके। चलिए काम करते हैं अपना, देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या है x इज इक्वल टू में a थीटा माइनस साइन थीटा, इट मीन्स आपको अगर dx dθ फाइंड आउट करना है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा बोथ साइड, तो बोलेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा dx डी थीटा इज इक्वल टू में एक कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये मिलेगा आपको, तो यहाँ से जब सॉल्व आउट करेंगे आप तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में वन होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ से आपको डी एक्स डी थीटा की जो स्टूडेंट्स वैल्यू मिली वो क्या मिली ए वन माइनस कॉस थीटा मिल जाएगी ठीक है, ये मिल गया आपको डी एक्स डी थीटा ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, हमें इसको फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई डी थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम क्या बोलेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू में ए कॉन्स्टेंट है बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको तो डी वाई डी थीटा, आपको पता है कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो यहाँ पे वन है कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो, बट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है फॉर्मुलाइज, तो यहाँ से हो गया डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू में आपको कितना मिल गया ए वी माइनस का ए साइन थीटा, तो मिल गया डी वाई डी डी थीटा आपको माइनस का ए साइन थीटा एंड डी एक्स डी थीटा आपको मिलेगा ए इंटू में वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए क्या मिलेगा आपको देखिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास है माइनस का ए साइन थीटा
और डी एक्स डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, ए से कैंसिल आउट, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन में वन माइनस का कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा आंसर डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन। समझ में बात आ गई आपको इतनी। यहाँ से डी वाई डी थीटा की वैल्यू माइनस का ए साइन थीटा आएगा, यहाँ से आपको डी एस डी थीटा की वैल्यू कितनी मिली, ए वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ जब आपने वैल्यू दोनों पुट की यहाँ पर, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा आपको मिल गया, और यही फाइनल आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर, और जैसे ही हम बात करने वाले रहेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैं सबसे पहले आपसे ये बोलूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर सेवन पर पहले ही मार्क कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ढांसो क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, उस क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट बड़ी आसानी से और बहुत ही ध्यान से करना होगा। आपने अगर अच्छे से डिफरेंशिएट कर लिया और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको कम्प्लीटली इवेल्युएट कर लिया, तो आपका सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा। बट अगर आपने कहीं भी डिफरेंशिएशन करते समय थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन ये दिया, क्वेश्चन नंबर सेवन, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आपकी आर डी शर्मा में भी मिलेगा, आर एस अग्रवाल में भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को कैसे हमें सॉल्व करना है, और आसानी से और आराम से सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ी सी हम भी लापरवाही देंगे, बढ़तेंगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो जब अच्छा क्वेश्चन है तो इसको अपन आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, क्या है बोला गया यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब एक्स क्या है आपके पास, एक्स इक्वल टू में साइन क्यूब टी अपॉन में रूट में आपको दिया हुआ है कॉस 2t, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे y, क्वेश्चन में तो x y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया है आपको cos क्यूब t और अपॉन में रूट में cos 2t यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना, वही dy dx फाइंड आउट करना है, बट हमें पता है कि अगर dy dx फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, dy dx इज इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखने चलते हैं तो हम बोलते हैं सबसे पहले आप देख लो x किस पैरामीटर के फॉर्म में, x आपका t पैरामीटर के फॉर्म में, y भी t पैरामीटर के फॉर्म में, इट मीन्स जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, dy dt, क्योंकि y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में और dx यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा क्या, dy dx इज इक्वल टू dy dt एंड dx dt अपॉन में dx dt। अब हमें इसको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, और भी अच्छे से, कहीं भी हमें कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे, थोड़ा इजी वे में लिखेंगे, कैसे देखिए x इक्वल टू में लिखा हुआ है ये साइन क्यूब टी, और आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cos 2t रूट में जब भी होता है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ये ऊपर जाता है, जिस दिन आप इसको ऊपर भेजेंगे, जिस दिन क्या हम तो तुरंत ही भेज रहे हैं ना, तो साइन cos 2t पावर 1 बाई 2, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी इसकी, cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 बाई 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लिया, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया, अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डी एक्स डी टी चाहिए। तो हम जब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, बोलेंगे कि जैसे हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने चलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हमने कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, बोलेंगे पहले को छोड़ा, यानी साइन क्यूब टी को छोड़ा, साइन क्यूब टी का मतलब क्या है, साइन टी का होल क्यूब या साइन क्यूब टी, दोनों बात सेम है। तो पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू टी की पावर माइनस का वन बाई टी, प्लस बोलेंगे अब कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू को छोड़ा, कि जिसको अपन डिफरेंशिएट कर चुके होते हैं एक बार, दूसरे में उसको छोड़ते हैं, और जिसको नहीं किए होते उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी, अब चाहे हम साइन क्यूब टी लिखें या साइन टी का होल क्यूब लिखें, दोनों बात सेम है, ठीक है। अब देखिए आगे, साइन क्यूब टी तो एज इट इज ऐसे रहेगा, बट जैसे अपन इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो हम बोलेंगे क्या है, एक्स की पावर एन का फॉर्म दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हमने तो कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू का डिफरेंशिएशन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, बट हमने एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है, टी की पावर, जैसे यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, तो बोलेंगे टी की पावर एन का फॉर्म में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे इसको अपन टी मान के डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रहे जिसको अपन टी मानते हैं उसको अपन अगेन डिफरेंशिएट जरूर करते हैं। तो जैसे अपन इसको टी मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बोलेंगे टी की पावर एन है तो क्या होता है, एन टी की पावर एन माइनस वन, एन कितना है, माइनस का वन अपॉन में टू, और कॉस टू टी की पावर एन माइनस वन, यानी माइनस वन अपॉन में टू माइनस का वन, फिर इन टू में बोलेंगे जिसको अपन मानते हैं उसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने कॉस टू टी को टी माना, इसलिए अपन इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान रहे, देखिए हमने कॉस टी का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, बट यहाँ पे कॉस टू टी लिखा है, इट मीन्स अपन टू टी को टी मान के डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने टी अगेन इसको माना, इस टू टी को अगेन अपन टी माना, इसलिए इसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, टू टी को,
ठीक है, ये बात होगी हमारी इसके डिफ्रेंशिएशन की। अब बताएंगे प्लस साइन होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब कॉस टूटी को हम छोड़ेंगे, कॉस टीटी को छोड़ेंगे, अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन टी का होल क्यूब को। जैसे अपन साइन टी का होल क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने चलते हैं, मैं फिर से आपसे कहूँगा हमने साइन टी का होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा, बट हम इसको टी मान के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो टी का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मतलब साइन टी को हमने माना है तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन थ्री साइन टी का होल स्क्वायर। यानी क्या होगा, साइन टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, अगर साइन टी की जगह टी होता टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन टू सॉरी थ्री टी स्क्वायर, वैसे साइन टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री साइन टी का स्क्वायर। तो थ्री साइन टी का स्क्वायर, ठीक है। अब बात आ गई, यहाँ से करते हैं, देखिए तो यहाँ आपके पास हो गया साइन क्यूब टी माइनस का वन बाई, देखिए माइनस का वन बाई टू अपन ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं इसको, माइनस का वन अपॉन में टू साइन क्यूब टी इंटू में यहाँ हो गया कॉस टू टी की पावर, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस का थ्री बाई टू मिलेगा आपको, और इंटू में कॉस टू टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस का साइन टू टी। हमने टू टी को टी मान के डिफ्रेंशिएट किया, इसलिए टू टी को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हमेशा वन होता है, इंटू में वन हो गया, प्लस का थ्री कॉस टू टी एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या बोलेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का साइन क्यूब टी, ठीक। ये देखिए माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी। अब समझिएगा इस बात को यहाँ थोड़ा अच्छे से, कॉस टू टी की पावर माइनस थ्री बाई टू, जिस दिन आप इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस टू टी की पावर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर थ्री बाई टू मिल जाएगा, माइनस साइन है माइनस, सॉरी माइनस हो गया यहाँ से, हमने माइनस माइनस प्लस कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो इतना फॉर्मेट लिख लिया हमने। और एक बात और ध्यान रहे, देखिए यहाँ टू मल्टीप्लाई में यहाँ पर टू डिवाइड, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ टू डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ पर टू मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसलिए टू से टू कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक कॉस टू टी नीचे चला गया तो पावर थ्री बाई टू हो गया, साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी यहाँ पर बचा, प्लस साइन यहाँ पर प्लस लगाएंगे अपन, यहाँ क्या बचा आपके पास, थ्री कॉस टू टी इंटू में साइन स्क्वायर टी बच गया। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए कहीं पे हम लोग कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, एक गलती यहाँ पर हो रही है, देखिए कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू, यहाँ पर क्या यहाँ पर है, कॉस टू टी की पावर माइनस का वन बाई टू, यहाँ पर भी कॉस टू टी की पावर माइनस का वन बाई टू, ये हम भूल गए थे पावर लगाना, तो यहाँ पर भी कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू है। देखिए जब यहाँ पर कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू है, तो जैसे आपका कॉस टू टी की पावर माइनस थ्री बाई टू नीचे आए तो पॉजिटिव होगा, वैसे कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू नीचे आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको कैसी शक्ल मिलेगी, ऐसी मिलेगी, थ्री साइन स्क्वायर टी अपॉन में कॉस टू टी की पावर वन बाई टू, ठीक है। अब इसके आगे क्या है यहाँ पर देखते हैं, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई अच्छे से, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है होनी तो वैसे नहीं चाहिए। देखिए ये मिल गया आपको साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी अपॉन में कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर टी अपॉन में कॉस टू टी की पावर वन बाई टू, आपको ये मिल गया, ओके। यहाँ पर हमने फिर एक गलती कर दी, क्या गलती की समझे इस बात को, हम यहाँ पर एक चीज़ भूल गए क्या, देखिए हमने बोला कि साइन टी का क्यूब था, हमने साइन टी को डिफ्रेंशिएट किया टी मान करके, तो क्या मिलेगा, थ्री साइन टी का होल स्क्वायर, बट हमने साइन टी को माना था तो हम साइन टी को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू में भी आपको क्या मिलेगा, कॉस टी मिल जाएगा। मैंने क्या बोला था, डिफ्रेंशिएशन आप जब करिएगा इस तरीके के फंक्शंस का तो आप आसानी से करिएगा, आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना होने पर, अगर छोटी सी मिस्टेक हुई आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए देखिए मैं बहुत ही ध्यान से और मिस्टेक्स देखते हुए चल रहा हूँ, ठीक। ये बात होगी आपकी, अब ये सारे सब कुछ सही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ से आपको dx dt जो मिला वो क्या मिल गया, साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी अपॉन में क्या है, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी अपॉन में कितना यहाँ पर है, कॉस टू टी की पावर वन बाई टू। तो अपन यहाँ से क्या एलसीएम लेंगे, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, जब अपन यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, साइन क्यूब टी इंटू में, देखिए साइन टू टी है और साइन टू टी का जो फॉर्मूला होता है, साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी इंटू में कॉस टी, आप सभी ने ये सब कुछ इलेवेंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है,
साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी कॉस टी। आपने फॉर्मूला किस फॉर्म में पढ़ा होगा, साइन टू थीटा का। साइन टू टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे ही साइन टू टी का फॉर्मूला टू साइन टी कॉस टी। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइन क्यूब टी तो यहाँ लिखेंगे टू इंटू में साइन टी इंटू में कॉस टी हो जाएगा। प्लस जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, यहाँ कॉस टू टी की पावर वन बाई टू है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस टू टी इंटू में थ्री, देखो ऐसे लिखते हैं, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको कितना, कॉस टू टी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे क्या मिलेगा आपको, साइन क्यूब टी इंटू में साइन टी कितना हो जाएगा, साइन पावर फोर टी, और टू कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, यहाँ कितना आपके पास है, कॉस टी प्लस थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू में, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कॉस टू टी है। कॉस टू टी को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं कॉस टू टी को, अपन यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, देखिए कॉस टू टी को अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं वन माइनस का टू साइन स्क्वायर टी। क्या लिखने वाले हैं, कॉस टू टी का फॉर्मूला वन माइनस का टू साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ से कॉस टी क्या मिलेगा आपको, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर टी। हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर साइन की पावर फोर टी, यहाँ पर साइन स्क्वायर टी, हमें यहाँ पर भी साइन की पावर फोर टी चाहिए, तो हम साइन की पावर 40 कॉमन ले लेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। देखिए अब आगे क्या करना आपको, यहां से मिल गया आपको अपॉन में कितना आपके पास, यहां पे अपॉन में आपके पास है कॉस 2t की पावर 3 बाई टू, तो हो जाएगा 2 साइन की पावर 4t टी इंटू में कॉस टी, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। जब 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, फिर प्लस माइनस माइनस, जब इसका अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा 6, साइन स्क्वायर टी का साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4t और कॉस टी इंटू में ऐसे ही रह जाएगा। और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, कॉस 2t की पावर 3 बाई टू। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिला फाइनली, 2 साइन की पावर 40 इंटू में कॉस टी है, तो ये देखिए 2 साइन की पावर 40 इंटू में कॉस टी है, माइनस का 6 साइन की पावर 40 कॉस टी। जब इनको इसको और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस सिक्स टू, ये माइनस का 6 है ये 2 है, देखिए ये चीज़ें सेम है, साइन की पावर 40 इंटू कॉस टी, यहाँ पर भी साइन की पावर 40 इंटू कॉस टी है, तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी माइनस का, यहाँ पर से आपका 4 साइन की पावर 40 इंटू में कॉस टी, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, नीचे आपके पास बचेगा कॉस 2t की पावर 3 बाई टू। अब यहाँ से देखिए हम क्या लेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर टी है, यहाँ सॉरी यहाँ साइन की पावर 40 है, ठीक है, तो यहाँ साइन की पावर 40, यहाँ से कॉस टी कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, साइन की पावर 40, कुछ मिस्टेक तो नहीं, सॉरी यहाँ स्क्वायर ही, क्यों स्क्वायर, क्योंकि हमने ये लिखा था, साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, जब अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या मिलेगा आपको, थ्री, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए फिर से अगेन चेक कर ले रहे हैं हम, यहाँ से क्या करते हैं ना कि अगर हम यहाँ से कुछ बनाना चाहते हैं, अंदर एक फॉर्मूला बनेगा कैसे, देखिए अगर हम साइन टी और कॉस टी सिर्फ कॉमन लें, क्या लें, सिर्फ साइन टी इंटू में कॉस टी अगर अपन कॉमन ले लेते हैं, अंदर देखिए क्या बचेगा आपके पास, थ्री साइन टी माइनस का फोर साइन क्यूब टी, और ये फॉर्मूला किसका होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी तो आप पहचान गए होंगे कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आपका साइन थ्री टी का है। तो यहाँ से अब आगे आप देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं इसको, देखिए क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, देखिए साइन थ्री टी का फॉर्मूला होता है थ्री साइन टी माइनस का फोर साइन क्यूब टी, ठीक है, सॉरी हाँ माइनस का फोर साइन क्यूब टी, यही तो होता है ना, साइन थ्री टी का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन टी माइनस का फोर साइन क्यूब टी। तो यहाँ पर देखिए थ्री साइन टी माइनस का फोर साइन क्यूब टी है, तो इसके प्लेस पे अपन साइन थ्री टी लिखने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, इक्वल टू में साइन टी इंटू में कॉस टी, ब्रैकेट के अंदर थ्री साइन टी। अब देखिए थ्री साइन टी माइनस का फोर साइन क्यूब टी की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ साइन कैसा है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है थ्री साइन स्क्वायर टी, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी था, ठीक है, तो इसमें से हमने साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया, आपके पास ये बचा, तो इसकी जगह आपके पास क्या बन गया, साइन थ्री टी बन गया, ठीक है। और अपॉन में आपके पास क्या है, यहाँ पर अपॉन में है कॉस टू टी इंटू में, सॉरी कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू है,
तो ये मिल गया आपको, ठीक है, समझ बात आ गई आपको इतनी। अब इसको देखिए, साइन टी इंटू में कॉस टी है ना, इसको अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन टू टी बराबर होता है टू साइन टी कॉस टी। अगर यहाँ पर आपके आगे टू मिल जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू साइन टी कॉस टी हो जाएगा साइन टू टी। तो इसलिए अपन टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए साइन टी इंटू में कॉस टी इंटू में साइन थ्री टी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इंटू में साइन थ्री टी और अपॉन में क्या है, कॉस टू टी की पावर 3/2। तो 2 sin t इंटू में cos t, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2t का फॉर्मूला बन गया, किसका, sin 2t का फॉर्मूला बन गया, और इंटू में यहाँ क्या है, sin 3t है यहाँ पर, ठीक है, और अपॉन में क्या मिल जाएगा आपको, 2 इंटू में cos 2t की पावर 3/2। तो ये आपको मिल गया dx dt की वैल्यू। इतना लंबा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 या 8 मार्क्स का मिलेगा, जब भी आएगा 6 या 8 मार्क्स में आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि फाइनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते, वो इसको बस डिफ्रेंशिएट, देखिए क्वेश्चन हमारा डिफ्रेंशिएट तो पहले ही हो गया था, बट इसको इवेलुएट एक फाइनली एक अच्छे तरीके से इवेलुएट करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसको कम्प्लीटली इवेलुएट जब तक नहीं कर लेंगे तब तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैंने पहले भी आपसे बात बोली थी, हमने ले लिया था, हमने डिफ्रेंशिएट इसको कर लिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने यहाँ से इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने कॉस टू टी का फॉर्मूला यहाँ ओपन किया 1 - 2 sin² t के फॉर्म में, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 sin² t cos t माइनस का 4 sin 40 इंटू में cos t मिल गया। फिर हमने क्या किया यहाँ से, इसको यहाँ से हमने इसमें से sin t cos t जबरदस्ती sin t cos t कॉमन लिया, फिर अंदर फॉर्मूला बना 3 sin t - 4 sin 2t जो होता है sin 3t का फॉर्मूला होता है, sin 3t का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin t - 4 cos sin 2t, तो इसके प्लेस पे हमने लिख दिया sin 3t। तो यहाँ से देखिए sin t इंटू में cos t इंटू में sin 3t था, हमने बोला sin t इंटू में cos t, इसके आगे अगर 2 मिल जाता तो हमें 2 sin 2t मिल जाता, तो हमने बोला क्या दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो बन गया 2 sin t cos t, और ये किसके इक्वल होता है आपका, sin 2t के इक्वल होता है, और ये sin 3t था अपॉन में 2 cos 2t के पावर 3/2। तो ये फाइनली हमें dx dt मिल गया। अब हमें ऐसे ही dy dt फाइंड आउट करना है, ओके, चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फटाफट बात करते हैं किस पे, कि हमें dy dt कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे हमने dx dt फाइंड आउट किया वैसे हमें dy dt फाइंड आउट करना है, वैसे dy dt फाइंड आउट करके हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमें dy dx फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं फिर कैसे हमें फाइंड आउट करना है dy dt। तो अब हम देखते हैं कि हमें y = cos³t रूट में cos 2t दिया हुआ है, इसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे dy dt, ठीक है। जैसे हमने dx dt फाइंड आउट किया वैसे हम dy dt फाइंड आउट करेंगे, और dx dt की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है। और मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको, sin²t क्या होता है, 2 sin t इंटू में cos t, cos²t 1 - 2 sin²t, cos²t 2 cos²t - 1 भी होता है। इन्हीं फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे, इससे पहले वाले में भी हमने यही यूज़ किया था। देखिए इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमें dy dt फाइंड आउट करना, तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा हम इवेलुएट कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड आउट कर लेते हैं, जैसे हमने dx dt को सिंप्लीफाइड किया था x को, तो क्या बोलेंगे, cos³t को हम ले सकते हैं cos t का होल क्यूब, ये cos²t है, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर कैसे हो जाएगी, -1/2, क्यों, क्योंकि इसको अगर अपन लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से cos²t की पावर 1/2, और जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर आपकी निगेटिव हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जैसे हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन प्रोडक्ट रूल लगा करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए dy dt इक्वल टू में क्या बोलेंगे, पहले को छोड़ा यानी cos t का होल क्यूब को छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है ये, एक्स की पावर टी की पावर एन का फॉर्म है, तो क्या बोलेंगे, टी की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, हमने इसको टी मान के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या होगा, माइनस, मैं थोड़ा डायरेक्ट खेल रहा हूँ, ठीक है, -1/2, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, -1/2 cos²t की पावर -1/2 -1, हमने cos²t को t मान के डिफ्रेंशिएट किया, अपन cos²t को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos²t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन 2t हो जाएगा, हमने 2t को t मान के डिफ्रेंशिएट किया है तो 2t को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, लगाएंगे प्लस का साइन और फिर बोलेंगे हमने cos²t की पावर -1/2 को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम cos²t की पावर -1/2 को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, cos t का होल क्यूब, तो cos t का जो होल क्यूब है, जब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये t, इसको cos t को हम t मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 cos t की पावर 2, क्योंकि 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, और हमने cos t को t मान के डिफ्रेंशिएट किया है तो cos t को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन t हो जाएगा, और बस इतनी बात हो गई। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos t का होल क्यूब
टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और जो इनटू में यहाँ बचेगा आपके पास साइन टू टी बचेगा, और अपॉन में देखिए ये कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास हो जाएगा माइनस का थ्री बाई टू, ये नेगेटिव है, जब नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था जब डी एस डी टी फाइंड आउट कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पर भी हमने ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे थ्री है तो थ्री लगाएंगे, कॉस टी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और इनटू में माइनस का साइन टी था तो प्लस माइनस माइनस हो ही गया, और यहाँ पे बचा आपके पास साइन टी, और अपॉन में क्या बचेगा कॉस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू, नीचे आएगा तो कॉस टू टी की पावर वन बाई टू हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया, जैसे डी एक्स डी टी फाइंड आउट किए थे वैसे ही हमें डी वाई डी टी फाइंड आउट करना है, बस आराम से डिफ्रेंशिएट आपको सॉरी सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब आगे हम आगे क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका क्या आएगा कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए साइन टू टी, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस टी का यानी कॉस क्यूब टी, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब टी इंटू में ये है साइन टू टी, और साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन टी इंटू में कॉस टी, तो हो जाएगा टू साइन टी इंटू में कॉस टी हो जाएगा, साइन कैसा है यहाँ पर है माइनस का तो माइनस लगाएंगे, यहाँ देखिए कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू कॉस टू टी की पावर वन बाई टू, जब इससे इसको अपन डिवाइड करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ कॉस टी बाई टू टी बाई टू, सॉरी कॉस टू टी केवल बचेगा, तो कॉस टू टी यहाँ पर फिर मिलेगा क्या आपको थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, ठीक है, और इंटू में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर मिलेगा कॉस टू टी मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने डी एक्स डी टी जब कर रहे थे डिफ्रेंशिएट, जब डी एक्स डी टी फाइंड आउट कर रहे थे वहाँ पर आपने कॉस टू टी को ओपन किया था साइन के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जब हम कॉस टू टी को किसके फॉर्म में ओपन करेंगे कॉस के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास है कॉस क्यूब टी है, और जब कॉस क्यूब टी का कॉस टी से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस के पावर 40 बन जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर भी कॉस के पावर 40 बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें इसको कॉस के फॉर्म में ओपन करना होगा। चलिए ओपन करते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से, अच्छा यहीं पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या आपके पास कॉस क्यूब टी इंटू में कॉस टी कितना हो जाएगा कॉस की पावर 40 इंटू में क्या हो जाएगा साइन टी, ध्यान रहे आगे कैसा है मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन कैसा है माइनस का है 3 कॉस स्क्वायर टी ऐसे ही रहेगा इंटू में हो जाएगा साइन टी, बट हम कॉस टू टी को ओपन करेंगे 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 के फॉर्म में, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और अपॉन में आपको कितना मिला है अपॉन में आपके पास है कॉस टू टी की पावर 3/2, कॉस टू टी की पावर 3/2 इक्वल टू भी देखिए क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा क्या मिलेगा 2 कॉस की पावर 40 इंटू में साइन टी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा इंटू में साइन टी, और माइनस का अब इसका अपन क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक। कॉस स्क्वायर टी का कॉस स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की पावर 40 हो जाएगा, और साइन टी का इससे करेंगे तो सिर्फ साइन टी बचेगा यहाँ पर साइन टी हो जाएगा, बट जैसे ही अपन इस माइनस का इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी ही मिल जाएगा आपको, और अपॉन में आपको वही मिलेगा जो आपके पास है क्या है कॉस टू टी की पावर 3/2 है, ठीक है। ये बात होगी हमारी, अब आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, देखिए डी वाई डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको फाइनली 2 कॉस की पावर 40 साइन टी है माइनस का 6 कॉस की पावर 40 साइन टी, जब इन दोनों को अपन कॉस की पावर 40 साइन टी कॉस की पावर 40 साइन टी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 6 और 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो अपन के पास क्या मिलेगा 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी माइनस का 4 कॉस की पावर 40 साइन टी 4 कॉस की पावर 40 इंटू में साइन टी बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा आपके पास कॉस टू टी की पावर 3/2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन कॉस टी साइन टी कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे साइन टी इंटू में कॉस टी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर देखिए क्या बचेगा जब हमने यहाँ से एक कॉस टी एक साइन टी कॉमन ले तो यहाँ पर एक कॉस टी बचेगा और 3 तो पहले से ही रहेगा क्योंकि 3 तो हमने कॉमन लिया ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस का 4 कॉस क्यूब टी हो जाएगा, और अपॉन में कितना बचेगा आपके पास कॉस 2t की पावर 3/2, ठीक। अच्छा एक बात बताइए आपके पास जब साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी, बट कॉस 3t का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब टी माइनस का 3 कॉस टी, बट यहाँ पे हमारे पास देखिए मामला कुछ और है, यहाँ पे हमारे पास हमने माइनस किया तो माइनस का 4 कॉस टी साइन टी आया, क्या है माइनस का, देखिए यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 था तो माइनस का 6 मिला और माइनस माइनस प्लस का 4 कॉस टी,
प्लस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी मिला और ये आपका पॉजिटिव है, तो कहीं कोई साइन का प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, तो सब कुछ तो ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, सब बढ़िया है। 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे अपन यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, साइन टी कॉस टी। देखिए क्या लिखने वाले हैं इसको, अपन इसको लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, देखिए साइन टी है, देखिए यहाँ पे क्या मिला, साइन टी कॉस टी है, साइन टी इंटू में कॉस टी। और यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर माइनस, क्योंकि हमारे पास जो कॉस थ्री टी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4 कॉस क्यूब टी माइनस का 3 कॉस टी होता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपके पास 4 कॉस क्यूब टी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको अपन नेगेटिव बनाने, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस का 3 कॉस टी बच जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या बचेगा आपके पास, कॉस 2t की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो गया आपके पास कॉस 3t बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन tt इंटू में कॉस टी इंटू में क्या बन जाएगा, कॉस 3t बन गया। और अपॉन में कितना बचा आपके पास, यहाँ पे कॉस 2t की पावर 3/2 बन गया। इक्वल टू में देखिए माइनस, हम बोलेंगे यहाँ साइन टी कॉस टी, यहाँ पे अगर 2 मिल जाता तो हमें यहाँ पे क्या बन जाता, 2 साइन टी कॉस टी। एक इसका फॉर्मूला होता है साइन 2t का फॉर्मूला होता है, तो हम बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको साइन टी इंटू में कॉस टी इंटू में कॉस 3t। अपॉन में क्या मिलेगा, कॉस 2t की पावर 3/2। अब बात आगे करते हैं, देखिए अब क्या करना है, यहाँ से अब आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। देखिए तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस, देखो 2 साइन टी कॉस टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, साइन 2t बन गया। तो उसकी जगह पर अपन लिख देंगे यहाँ पे साइन 2t माइनस का, ठीक है। और इनटू में क्या मिलेगा, कॉस 3t, और अपॉन में क्या मिल जाएगा आपको, कॉस 2t की पावर 3/2, ठीक। तो ये मिल गया आपको dy/dt। अब एक काम करते हैं, एक बार अपन चेकआउट कर लेते हैं, मुझे लग रहा है ये माइनस साइन यहाँ पर होगा नहीं, बट माइनस साइन आ कैसे रहा उसको अपन देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो माइनस साइन मैंने आपसे बोला कि माइनस साइन आ रहा होगा, बट यहाँ मुझे जहाँ तक लगता है माइनस साइन सही आ रहा, हमने सही किया, मैंने चेकआउट कर लिया सब कुछ, ठीक है, इसे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास dy/dt मिल गया, अब हम फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो dy/dx फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, कि जो सबसे मेन खेल था वो आपको dx/dt एंड dy/dt फाइंड आउट करना था, जो कि आपने कर लिया। अब आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना, आपको dy/dt एंड dx/dt की वैल्यू वहाँ पुट करना है। देखिए क्या मिलेगा आपको, dy/dt की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का साइन 2t इंटू में कॉस 3t अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2। अपॉन में क्या मिलेगा, dx/dt की वैल्यू साइन 2t इंटू में कॉस 3t अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2, ठीक है। कॉस 2t की 3/2, कॉस 2t की पावर 3/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा आपके पास माइनस का साइन 2t इंटू में कॉस 3t अपॉन में साइन 2t इंटू में कॉस 3t। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हमने कुछ गलती की यहाँ पर, कुछ तो गलती की है, देखिए जल्दी फटाफट। साइन 2t कॉस 3t, हाँ ये गड़बड़ी, देखिए यहाँ पर साइन 2t इंटू में साइन 3t है, नीचे क्या है, साइन 2t इंटू में साइन 3t है, साइन 2t इंटू में साइन 3t, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का कॉस 3t अपॉन में साइन 3t, और ये आपका क्या हो गया, माइनस का कॉस, सॉरी कॉट, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 3t, और यही आपका आंसर होगा dy/dx = माइनस कॉट 3t। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को अच्छे से आप मार्क कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, जितना अच्छे से लिख सकते हैं उतने अच्छे से इसको लिख लीजिए, और जितनी बार प्रैक्टिस हो सकता है उतनी बार इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इसका जो dx/dt एंड dy/dt जो फाइंड आउट करने का मैंने तरीका बताया, आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। आपको जब तक ना समझ में आए dy/dx/dt एंड dy/dt, आप इसको अगेन इसके लेक्चर्स को देखिए, इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप प्रैक्टिस भी करिए, आपका आंसर जरूर आएगा, आपको समझ में भी चीज़ें आएंगी। तो आज के लेक्चर को स्टूडेंट्स हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, 11, 12।
सॉरी 10 और 11, ठीक है। इन क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।